हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसका देखेंगे इस चैप्टर में, क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, क्यूब क्यूबॉइड जो है ना, ये थ्री डायमेंशनल शेप है, थ्री डी आपके फिगर्स हैं। क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब भी 3D फिगर है और क्यूबॉइड भी आपका 3D फिगर ही है, ठीक है ना। तो इन्हीं थ्री डायमेंशनल फिगर्स का हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो क्यूब और क्यूबॉइड का जो शेप होता है ना, आपने क्यूब देखा होगा, मैजिकल क्यूब भी आता है, ठीक है ना जी। आपने क्यूबॉइड का भी शेप देखा होगा, जो आपका माचिस का जो बॉक्स आता है, या फिर आप ईंट देखे होंगे, ब्रिक देखे होंगे, वो भी आपका कैसा शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में ही होता है। तो ये दोनों के दोनों आप जो फिगर देख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स ही हैं, ठीक है। और इन्हीं के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो आप ब्रिक देखते हैं या फिर माचिस का बॉक्स देखते हैं, ऐसे ये सब जो भी फिगर देखते हैं, ये क्या होते हैं, 3D फिगर्स होते हैं। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, दोनों क्यूब और क्यूबॉइड दोनों थ्री डायमेंशनल फिगर है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक ब्रिक ही ले लेता हूं, ठीक है ना जी। तो वो ब्रिक जो होता है वो एकदम एक सॉलिड शेप में रहता है, एक सॉलिड शेप में रहता है, यानी सॉलिड शेप उस शेप को कहेंगे। क्यों सॉलिड शेप इसलिए इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्पेस छेकता है ना, किसी प्लेन पे या कर्व सरफेस पे, है ना। तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, दैट मीन्स ये क्या है, एक सॉलिड फिगर है। तो आप सॉलिड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चाहो तो सॉलिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी, सॉलिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि सॉलिड इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज बाउंडेड इन ए स्पेस बाई प्लेन्स और कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना जी। तो ये जो है, ये दोनों आप, ये जो आप देख रहे हैं क्यूबॉइड या फिर ये जो आप देख रहे हैं क्यूब, ये दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड फिगर ही है। अब देखिए, ये जो सॉलिड जो देख रहे हैं, इनके टोटल एरिया जो होगा, आप इसके हर एक तरफ से देख लो, ऑल साइड से, इसका जो एरिया जो होगा, ये वाला हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हुआ, है ना, ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये पीछे वाला पार्ट हुआ, ऊपर वाला पार्ट हुआ, नीचे वाला पार्ट हुआ, इधर साइड वाला पार्ट हुआ, ये सभी जो एरिया जो देखेंगे इसके, है ना। तो ये एरियाज होंगे जो इसके इसके फेस कहलाते हैं, इनके फेस के जो एरियाज होंगे, इन सब का अगर मैं एरिया एक साथ जोड़ दूं तो वो उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। सरफेस का मतलब समझ है ना, कि इसके इस प्लेन का इसके आगे वाले प्लेन का, है ना जी, सतह कह सकते हैं उसे, ठीक है ना जी। तो उस सभी का एरिया जब ऐड कर देंगे, एक साथ ले लेंगे, तो आपका सरफेस एरिया कहलाएगा इस सॉलिड का सरफेस एरिया हो जाएगा। और यह सॉलिड जितना जगह छेक रहा है, जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना स्पेस छेक रहा है, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। अंदर का स्पेस जो होगा, इसका ये वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्यूबॉइड बॉक्स है, मैं इस बॉक्स में वाटर भर रहा हूं, तो वाटर जितना स्पेस छेकेगा ना, वही स्पेस उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना जी। वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो आप इसे भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर नीचे इसी में मैं डिफाइन कर देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी में यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ दीज सरफेसेस, कौन कौन से सरफेसेस, जिसके तो इसके जो प्लेन सरफेस हो, या फिर अगर कोई आपके कर्व सरफेस मिल रहा हो, इसमें तो सब प्लेन ही सरफेस है, लेकिन हो सकता है कोई कर्व सरफेस भी मिल जाए। यानी कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो सिलेंडर वगैरह होता है ना, तो उसमें कर्व सरफेस होता है। तो दीज सरफेस, चाहे वो प्लेन्स हो और कर्व सरफेस हो, ठीक है ना जी, प्लेन हो या कर्व सरफेस हो, इज कॉल्ड
द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसे हम लोग कहेंगे, समझे ना जी। और इसी में हम लोग दो लाइन जोड़ सकते हैं इस तरह से कि जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, ठीक है ना जी, यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ, सरफेस एरिया कहते हैं ऑफ ऑफ द सॉलिड कह देते हैं इसी में, है ना जी। एंड एंड द स्पेस, एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड 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 बाई द सॉलिड, द सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम उसको बोलते हैं, है ना जी। चलिए क्लियर हो गया सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है किसी सॉलिड के लिए। चलिए अब थोड़ा हम लोग क्यूब क्यूबॉइड को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा थ्री डायमेंशनल फिगर बनाता हूँ, सॉलिड बनाता हूँ जो बाउंडेड है सिक्स प्लेन रीजन से, ठीक है। इसमें सिक्स प्लेन रीजन से बाउंडेड फिगर जो होगा यह आपका क्या है कहलाएगा, ये सॉलिड जो होगा ये क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि सिक्स प्लेन बाउंडेड इसमें रीजन से ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है ये आपका क्यूबॉइड है। ऊपर से नीचे से एक इस तरफ है, इस तरफ और एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, टोटल इसमें सिक्स प्लेन रीजन है और इनसे फॉर्म हुआ ये जो सॉलिड है इसी को क्यूबॉइड कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से ये बाउंडेड होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसमें इसके फेसेस की बात करें तो ये जो सिक्स प्लेन रीजन है ना इन्हीं को फेस कहते हैं, एक दो तीन चार पांच और एक नीचे छह, टोटल सिक्स फेसेस होते हैं, ठीक है ना जी। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें फेसेस कौन कौन से होंगे जी, तो इसमें जैसे ए बी सी डी हो जाएगा, बी सी ई एच हो जाएगा, है ना आपका, फिर ऊपर मैं ले लेता हूं आपका एच ई एफ जी एच हो जाएगा, ई एफ जी एच हो जाएगा, फिर आपका ए डी एफ जी हो जाएगा, फिर ए बी एच जी हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका सी डी ई एफ हो जाएगा। ये सब की क्या है, ये आपके इसके फेसेस हैं, ठीक है। अच्छा एड्स की बात करते हैं, इसमें 12 एड्स होंगे, कौन कौन से एड्स जो होते हैं ना, एड्स इसके ये होते हैं, दो कह सकते हैं कि दो फेसेस को ज्वाइन करने वाला जो है ना टू एडजेसेंट फेसेस को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को एड्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं इस तरह से, एड्स क्या होते हैं जी, एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड meet in a line segment which is called an edge of the cuboid, है ना जी। क्यूबॉइड के उसको क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। तो एड्स इसमें कौन होगा, ए बी हो सकता है, बी सी सी डी ए डी, फिर आपका ई एफ जी एच एच ई और आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए आपका ई एफ हो गया, जी एफ भी हो जाएगा, जी एफ है ना, और इधर ये देखिए ए जी हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, सी ई हो जाएगा और डी एफ हो जाएगा। तो ये सभी एड्स हैं। एड्स के बाद अगर हम लोग इसमें बात करें इसके वर्टेक्स की, तो देखिए इसका वर्टेक्स क्या हो जाता है, तो वर्टेक्स जो एड्स जो हमने देखा ना उसी के दो एड्स को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है ना जी, वही आपका उसका वर्टेक्स होगा। तो यानी कि आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एनी टू एड्स दैट मीट एट एंड पॉइंट
एट इन पॉइंट देयर इज अ थर्ड एज दैट ऑल्सो मीट, थर्ड एज भी उसको मीट करता है, ऑल्सो मीट देम एट द इंड पॉइंट, इंड पॉइंट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच चारों आठों पॉइंट जो देख रहे हैं ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स होंगे। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ थ्री एड्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज कॉल्ड ए वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉइड, उसे क्यूबॉइड का वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें वर्टेक्स आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएगा सभी, ठीक है ना जी, ये टोटल एट इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, समझे ना जी। यानी कि अगर एक क्यूबॉइड में बात करें तो आपके फेसेस सिक्स होते हैं, फेसेस सिक्स होते हैं, एड्स की बात करें तो एड्स इसमें 12 होते हैं, और वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स 8 होता है। अच्छा, किसी क्यूबॉइड का अगर हम लोग बेस की बात करेंगे, बेस की तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक को अगर मान लीजिए ऐसे क्यूबॉइड रखा है तो आप ए बी सी डी को ही बेस कह सकते हैं, ठीक है। और ये बेस इसको कहेंगे तो बेस के साथ जो ज्वाइंट होंगे और बाकी फेसेस, यानी कि अगर ए बी सी डी बेस है तो यहाँ पे चारों तरफ से जो फेसेस दिख रहे हैं इसको इसका लेटर फेसेस कहते हैं, ठीक है ना जी। तो बेस अगर क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनी फेस ऑफ अ क्यूबॉइड मे बी कॉल्ड द बेस, द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बेस इसमें से कोई भी फेस हो सकता है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे अगर मान लीजिए इस किसी को एक को बेस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन दैट केस द फोर फेसेस विच मीट किसको, बेस को, द बेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेस, लेटरल फेस, लेटरल फेस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। यानी कि अगर आप समझिए अगर ए बी सी डी को बेस कह देते हैं तो यहां बी सी ई एच ए डी एफ जी ए बी एच जी और यहां पे सी डी एफ ई, ये चारों जो होंगे इसके साथ जिसके जुड़े हुए हैं, इस बेस से जुड़े हुए हैं, इन चारों फेसेस को हम लोग इसका लेटरल फेसेस कहेंगे, समझे ना जी। उसी तरह से हम लोग यहाँ क्यूब के बारे में भी देख सकते हैं, सेम क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ क्यूब का, है ना जी। मैं एक ऐसा यहाँ पर ये सिक्स कह सकते हैं कि इसमें भी आपके सिक्स प्लेन सरफेस होंगे, लेकिन इसमें हर एक जो होगा स्क्वायर शेप में होगा, जो प्लेन इस पे सरफेस है ये आपके सभी स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। तो इसमें क्या होता है कि सभी एड्स जो होंगे ना इक्वल होंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होता है। तो इस तरह के प्लेन फिगर को, इस तरह के सॉलिड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी कह दे सकते हैं कि अ क्यूबॉइड, अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, हुज लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ and height are all equal, सभी क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए, is called a cube, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब cube कहेंगे। तो यहाँ देखिए length, breadth, height ये सभी एड्स equal होंगे तो इसका मतलब ये cube हो जाएगा। cube में भी अगर हम लोग faces की बात करते हैं इसमें total 6 faces होंगे। अच्छा, वर्टेक्स की बात करते हैं इसमें आपके टोटल 8 वर्टेक्स होंगे, और एड्स की बात करते हैं इसमें भी सेम क्यूब क्यूबॉइड जैसे ही 12 एड्स होंगे। तो बाकी सब कुछ सेम होता है, बस इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल आ जाता है, ठीक है। बस क्यूबॉइड को ही हम लोग क्यूब कब कह जाएंगे, जब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें भी इसका सरफेस एरिया होगा, लेटर सरफेस एरिया होगा, इसका बेस होगा, कोई भी एक बेस लेते हैं तो उसके साथ जो
जुड़े हुए बाकी फेसेस होंगे उसको हम लोग उसका क्या कहेंगे, उसका लेटरल फेसेस कहेंगे, समझे ना जी। तो यार ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान देनी होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।